मुझे चकोरियाँ जो थी ना बहुत बहुत ही पसंद थी। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मैंने ना बताया कि मुझे ना चकोरियाँ बहुत पसंद है। तो सारिम के पापा ने ना बात सुन ली, तो वो ना चकोरियाँ आप मुझे गिनती मिली हैं वो भी दिखाते हैं आप। ये मैंने पकड़ ली हैं, तो ये मेरा शौक था, मुझे गिफ्ट मिला है। वो येलो कलर के जो है ना, ये सील के हैं, ये तीन निकले थे, एक जो है वो मर गया सुबह। चीज़ें दिखा दो, चीज़ों के पास बैठे हैं, तो जो कुछ था उसी पे हमने गुजारा करना है। तो तारीख के बाद फिर जो दिल करेगा इनसे फिर मैच करेंगे रात को। अभी थोड़ा टाइम था, तो अभी इफ्तारी होगी तो हम इंशाल्लाह ताला ये जो कुछ भी है वो खा जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल-करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल दादा फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज की मेरी वीडियो है, आज हम जा रहे हैं शहर फैसलाबाद शॉपिंग करने के लिए। कपड़े लाने थे बच्चों के लिए, सारिम के लिए, तो मैंने कहा कि आज जा कर ले आते हैं। तो अभी मैं तैयारी करती हूँ शहर जाने के लिए, तो जो भी साथ सीन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथ ही आए हुए हैं अपनी बहन के घर, उधर आके थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, तो अभी अफ्तारी का टाइम हो गया है। और इधर अफ्तारी में हमने उन्हें बताया ही नहीं था कुछ भी, तो जो वो खुद खा रहे थे ना, तो उनके साथ आके हिस्सा डाल लिया। तो ये बैठे हैं, आप इधर चीज़ें दिखा दो, चीज़ों के पास बैठे हैं, तो जो कुछ था उसी पे हमने गुजारा करना है। तो तारीख के बाद फिर जो दिल करेगा इनसे फिर मैच करेंगे रात को। अभी थोड़ा टाइम था, तो अभी इफ्तारी होगी तो हम इंशाल्लाह ताला ये जो कुछ भी है वो खा जाएंगे। तो साथ ही और मैं ना वापस घर आ चुकी हूँ, और सहरी का टाइम है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ सहरी। तो इसमें मैंने ये चाय बना ली है, चाय मेरी पक गई है, और अब ये पड़ा है दही, और ये पहले मैंने बना लिए हैं, तवा रख लिया है। तो अब ना मैं बनाती हूँ पराठे। तो उधर जो मैं शहर गई थी ना, वहाँ पे वो सारा दिन कल शॉपिंग की, और सारी टाइम मैं घर आ गई थी। तो अभी ये सुबह की सैरी का इंतज़ाम कर रही हूँ, तो वहाँ से जो शॉपिंग की थी वो भी शेयर करूँगी। वो जो मैंने कपड़े लिए थे ना, वो तो उधर ही सिलाई करने के लिए दे आई थी, और सारिम का था सूट वो साथ ले आई हूँ, तो वो भी जब ना टाइम मिला तो वो भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ सहरी, मैं रोटियाँ बना दूँ जल्दी जल्दी से पराठे, साथ साथ मैं दिखाती रहती हूँ अपना काम जो है। और ये देखिए पराठे हमारे पक्के तैयार हो गए हैं, और दही भी डाल लिया है मैंने अपने खाने के लिए, और इधर सूखी रोटियां हैं देसी घी से चुपड़ी हुई, और ये सारे के पापा ने शुरू कर दिया है खाना। तो ये भी दही के साथ खा रहे हैं, और देसी घी पड़ा है। सालन इस टाइम नहीं कोई भी खाता, तो दही के साथ रोटी खाने के बाद चाय पीनी है। तो मैं भी अब शुरू करती हूँ, टाइम थोड़ा है। हाँ जी, तो ना कुछ दिन पहले हमने वीडियो आपके साथ शेयर की थी इंक्यूबेटर की, जिसमें वो बच्चे चीज़ों से निकालते हैं। तो वो जो अंडे रखे थे ना, उनमें से अब बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं, कुछ निकल आए हैं और कुछ अभी रहते हैं। तो अभी ना वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह से बड़े प्यारे बच्चे निकले हैं, तो उसमें से कुछ जो अंडे थे ना वो हो गए हैं ख़राब। बच्चे तो बने थे, पता नहीं क्या मसला बना, वो जो सील थे। हाँ जी, हाँ जी, तो वो जो थे ना निकल रहे थे अंडों में से, लेकिन वो निकले नहीं, वहीं पे वो ना मर गए हैं। तो जो दूसरे बच्चे थे वो माशाल्लाह से निकल आए हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको जो भी कुछ हैं उसमें इंक्यूबेटर में, और कुछ जो है वो हमने उधर शिफ्ट कर दिए हैं। तो हमारा छोटा सा पोल्ट्री फार्म तैयार हो चुका है। और इसके अलावा ना चकोरियाँ जो थी ना बहुत ही पसंद थी। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मैंने ना बताया कि मुझे ना चकोरियाँ बहुत पसंद है। तो सारिम के पापा ने ना बात सुन ली, तो वो ना चकोरियाँ आप मुझे गिनती मिली हैं वो भी दिखाते हैं आप। तो गाइस, ये जो हैं 17 अंडे रखे थे हमने, तो उनमें से ये रह गए 3 यहाँ पर। एक वो जो पड़ा है वो तो ख़राब ही लगता है, इसमें से ये देखे बच्चा निकल रहा है।
और ये भी टूटना शुरू हो गया, इसके अंदर भी जो है ये देखें। तो बाकी जो निकल गए हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखें बच्चे जो हैं, पहले वो देख लें कितने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये भी तुम बताओ ये कौन कौन से वो हैं निकले जो? वो येलो कलर के जो है ना, ये सील के हैं। ये तीन निकले थे, एक जो है वो मर गया सुबह, तो वो जो आपको दिखाया अंडे से अभी निकल रहा है। तो ये जो एक ये वाला मोटा सा, एक वो, और वो येलो के पास जो है ये है हमारे जो ऊपर मुर्गे रखे उनके, बाकी सारे कोको पैंटों के। पकड़ के दिखाओ वहाँ पे जो पार वगैरह है ना, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो ये देखें इनके पाँव पर भी सारे पर हैं। फैंसी चूजे हैं ये। और अभी दिखाते हैं मम्मा की चकोरे। और ये मैंने पकड़ ली हैं, तो ये मेरा शौक था, मुझे गिफ्ट मिला है। ये देखिए कितने अभी बच्चे हैं, तो बहुत ही प्यारी लगती हैं बड़ी होकर। दौड़ती कितनी तेज है ये, उड़ती भी हैं ये। तो इसके बारे में क्या है वो मशहूर, वो बताओ। इसके चांद की और शकोर की मोहब्बत। तो इसके बारे में एक स्टोरी है, तो जो भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं जिनको इसके बारे में पता होगा ना इस बात के बारे में, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। नेट पर भी बहुत है इसके बारे में, तो सर्च कीजिएगा, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है इसकी। हाँ जी, तो हमें भी बताना ज़रूर कमेंट्स में। और एक ये हमारा कौमी परिंदा भी है चकोर। और अभी इन्हें बाहर छोड़ा है, जब इन्हें डालते ना चूजों के साथ तो उन्हें ये मारती हैं, तो छत पर छोड़ के आते हैं तो अकेली हो जाती हैं, फिर बोलने लग जाती हैं, शोर करती हैं। तो अभी यहीं ला कर छोड़ दिया हमने। हाँ जी, तो फिर बस हमने वो जो अपना पोल्ट्री फार्म है आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये थी हमारी 21-22 दिनों की मेहनत, ये हमारी फर्स्ट ट्राई थी। हाँ जी, तो अब आइंदा आगे वाले दिनों में निकालेंगे ज़्यादा बच्चे, तो अभी देखते हैं ये बड़े होते हैं या बचते हैं या नहीं बचते, ये पता नहीं है अभी। तो आगे भी फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो बच्चों का जो शौक है ना वो पूरा हो चुका है, और आपका भी और मेरा भी। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया था, आपके पापा ने पता नहीं क्या सोच लिया, तो मुझे मिल गई। वैसे बहुत प्यारी लगती थी काफ़ी देर पहले, जब हम छोटे थे ना तो उधर देखते थे, इतनी बड़ी होती थी तो बड़ी प्यारी लगती थी। ये तो अभी चूजे हैं, ये अभी छोटे छोटे हैं, वो देखें केज में जा रही हैं अपने। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल ज़्यादा फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दुआ में याद रखना, मैं भी आप सब बहन भाइयों को दुआ में याद रखती हूँ। शाद रहें, बाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। अगली नई प्यारी सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।